पिछले साल जो बजट 5020 करोड़ रुपए जो रखा गया था उसका आधा बजट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में इसको खर्च नहीं किया। मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप की अगर हम बात करेंगे उसमें भी 326 करोड़ रुपए की कटौती की गई है और सिर्फ इस मरतबा 44 करोड़ रुपए पूरे इंडिया के अखिलेतों के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने फिर एक बार अखिलेत मुखालिफ होने का अपना सबूत दिया है, अखिलेत का नाम नहीं लिया और अपने बजट बुक में उन्होंने लफ्ज माइनॉरिटीज का जो वर्ड था उसको भी उन्होंने निकाल दिया। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को आप जानते हैं कि बहुत अच्छा इदारा है, इसको भी पूरी तरीके से बंद करने की तैयारी की गई है और उसमें सिर्फ 10 लाख रुपए उन्होंने बजट में रखे हैं। This video present by Mannur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bare Hill Circle Ring Road, Gulbarga. Central government ki janib se jo minority welfare ka jo budget pesh kiya gaya hai wo pure Hindustan ke akhiliton ke liye bahut hi mayuskun budget raha hai aur isme khas kar akhiliton ki जो तालीमी हालत है और जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ख़त्म करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरीके से गुज़श्ता साल 2022-23 में 5020 करोड़ रुपए यहाँ पर बजट में उन्होंने रखे थे और इस साल 2023-24 के लिए जुमला 38-40% की उन्होंने कटौती की है, यानी 923 करोड़ रुपए उन्होंने इस बजट से इसमें से निकाल दिया है। और इससे क्या जाहिर होता है कि और पिछले साल जो बजट 5020 करोड़ रुपए जो रखा गया था उसका आधा बजट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में इसको खर्च नहीं किया, यानी 2000-2500 जो खर्च जो होने की बात हो रही है वो रुपये तक उन्होंने खर्च नहीं किया और उसको अचीव टारगेट को अचीव नहीं किया गया। और इसमें खासकर जो 50,000 जो मदरसे टीचर्स बेरोजगार होने के पूरे पूरे इम्कान हैं इसकी बड़ी वजह यह है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से मदरसा टीचर्स को वो डिपार्टमेंट से निकाल करके माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में उनको लाया गया था और एक उम्मीद जताई जा रही थी कि यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ के जो उर्दू टीचर्स हैं और दूसरे जो दीगर टीचर्स हैं उनका जो जो फर्स्ट हाली है वो ठीक होगी, सुधार होगी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने टोटली इसमें इसको उन्होंने सिफर कर रख दिया है। और साथ ही साथ मदरसों की जदीद कार्य यानी मदरसा रेनोवेशन स्कीम के तहत यहाँ पर उन्होंने कहा था कि इसमें मदरसों को जो है ना उसकी जदीद कार्य की जाएगी, रेनोवेट किया जाएगा, यहाँ पर उन्होंने उसमें बजट में उसमें कुछ भी रुपए उन्होंने नहीं रखा। उसी तरीके से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 433 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल में 1425 करोड़ रुपए इस स्कीम के तहत रखे गए थे। मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप की अगर हम बात करेंगे उसमें भी 326 करोड़ रुपए की कटौती की गई है और सिर्फ इस मरतबा 44 करोड़ रुपए पूरे इंडिया के अखिलेतों के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। क्या ये बात आपको ठीक लगती है कि पूरे अखिलेती जो माइनॉरिटी जो 16% यानी 16% से जायद पूरे इंडिया में जो अखिलेते रहते हैं उनके लिए 44 करोड़ रुपए मेरिट का मीन स्कॉलर काफ़ी होगा? इसकी भी हम सख्ती के साथ इनकी मजम्मत करते हैं और अफसोस का इजहार करते हैं। उसके बाद आगे एजुकेशन स्कीम फॉर मदरसा और अखिलेतों से मुतालिक 150 करोड़ रुपए की कमी कर इस साल सिर्फ 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो इससे भी ये जाहिर होता है कि मदरसा और उर्दू जबान को लेकर गवर्नमेंट की जो क्या पॉलिसीज हैं और क्या वो चाहते हैं। और सबसे बढ़कर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आप देख रहे हैं कि चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, बढ़ चढ़ कर UPSC एग्ज़ाम में ट्रेनिंग लेकर के वहाँ पर अटेंड करते थे। यहाँ पर UPSC जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे माइनॉरिटी वेलफेयर में उसको टोटली यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से उसको बंद कर दिया गया है, जो बहुत ही मायूस किन हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए है। उस्ताद स्कीम को जो दस्तकारी के लिए शुरू किया गया था और बड़े शोर जोर से ढोलरा पीटा गया था कि इसके जरिए मुसलमानों को रोज़गार मिलेगा, तो इसमें भी उन्होंने सिर्फ 10 लाख रुपये बराए नाम रखे हैं। 10 लाख रुपये से क्या ये स्कीम चल सकती है आप ही अंदाज़ा लगाइए। इसके बाद प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और मौलाना आज़ाद फेलोशिप को पहले ही इन्होंने बंद कर दिया है। स्किल डेवलपमेंट के लिए बजट में 200
55 करोड़ कम करके सिर्फ 10 लाख रुपए उन्होंने रखे हैं। और जब नई मंजिल की जो स्कीम थी वो उसको अपना बहुत बड़ा अचीवमेंट बना रहे थे, इसमें भी उन्होंने 40 करोड़ से कम कर सिर्फ 10 लाख रुपए रख दिए हैं। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को आप जानते हैं कि बहुत अच्छा इदारा है, इसके जरिए कई एक तलबा तालिबात यहाँ पर अपनी तालीमी सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, यहाँ पर आला तालीम हासिल करते हैं। इसको भी पूरे तरीके से बंद करने की तैयारी की गई है और उसमें सिर्फ 10 लाख रुपए उन्होंने बजट में रखे हैं। उर्दू स्कूल के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसको मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। एक लव्या मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया प्रोजेक्ट लाई है, जिसमें उन्होंने बात कही है कि इस साल यानी 23-24 में 38,800 टीचर्स को वो अपॉइंट करेंगे और 740 जो है ना स्टाफ को वो अपॉइंट करेंगे। इसके जरिए 3,50,50,00,000 जो स्टूडेंट्स हैं पूरे इंडिया के वो इससे इस्तेफादा करेंगे। जबकि हमारे कई एक स्कूल मदरसे हैं, उर्दू स्कूल हैं, मदरसे हैं, उनके अपॉइंटमेंट की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है। उसमें उन्होंने बजट में अपॉइंटमेंट के लिए खामोशी अख्तियार की है, बिल्कुल साइलेंट उन्होंने उसमें रह करके अपना रवैया बतलाया है। जबकि आईन में अखिलियतें एससी एसटी ओबीसी के जो का जिक्र है और इसमें आईन में ये कहा गया है कि इनके हमारे जहती तरक्की के लिए इनके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए, हर वक्त इनको अपलिफ्टमेंट इनको सहूलियतें देने चाहिए की बात की है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने आईन के तमाम जो उसूल थे उसको बाजू रखते हुए इस बजट को पेश किया है। मैं निर्मल सीतारामन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने अखिलियती का नाम नहीं लिया, अखिलियत का नाम नहीं लिया और अपने बजट बुक में उन्होंने लफ्ज माइनॉरिटीज का जो वर्ड था उसको भी उन्होंने निकाल दिया। और जब बजट पेश कर रहे थे माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से उन्होंने अखिलत माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का नाम लेना तक उन्होंने गवारा नहीं किया है। इससे ये जाहिर होता है कि जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और ये झूठी हमदर्दी फिर एक बार यहाँ पर इस बजट में सामने खुलकर आई है। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि आज पूरे मुल्क में जो अखिलतें जो पिछड़ रही हैं, जो तमाम तबकात से जो तालीम मैदान हो या रोजगार के मैदान में सबसे पीछे चल रही हैं, तो हुकूमत को ये चाहिए था कि इन अखिलतों के लिए एक अलहदा से बजट एक अलहदा से स्कीम ला करके बजट में इसका प्रावधान करते उसको मुख्तस करते, बजाय उसके उन्होंने बजट को और कम कर इन्होंने पूरा दिखला दिया है कि हम अखिलतों के तय कितना संजीदा हैं और हर हाल में इनकी कितनी जो है ना बदहाली होती है और कितना इनको हम तालीम से रोजगार से माशी हालत से फलाह बहबूद से हम दूर कर सकते हैं, उन्होंने यहाँ पर इस बजट में कोशिश की है। और पूरे जो 16% से ज़्यादा यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ यहाँ पर हिंदुस्तान में रहते हैं उनको बहुत सारे स्कीम से उनको इस्तेफादा करना था, लेकिन उन्होंने इसमें कई स्कीम्स को इन्होंने कट किया है। और साथ ही साथ बजट में जो कई एक स्कीम जो जारी थे उसको भी उन्होंने ख़त्म कर मुस्लिम मुखालिफ होने का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना जो बजट है उसको पेश कर दिखाया है। मैं इस मौके पर जो अखिलतों की जानिब से हर तबके में हमारे नाराज़गी पाई जा रही है और मरकजी हुकूमत से बहुत सारी तौखात की जा रही थी कि इस साल बजट में कुछ ना कुछ असम्बली इंतखाबात भी हैं मुल्क में 9 रियासतों में और आने वाले जो पार्लियामानी इंतखाबात हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ उम्मीद जाहिर की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर उसके बजाय यहाँ पर बजट में और कमी ला करके बीजेपी गवर्नमेंट ने फिर एक बार जो अखिलत मुखालिफ होने का अपना सबूत दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ ना चाहते हुए भी कि बसराज गोमई कम से कम स्टेट गवर्नमेंट में जो हमारे जो कई एक स्कीम्स हैं माइनॉरिटीज़ के उसको कम से कम जारी रखें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंड देने की अगर कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ माइनॉरिटी के साथ इंसाफ किया जा सकता है।